प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारी को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया गया है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए मंडी टैक्स घटाने का भी फैसला लिया गया है। सूबे की योगी सरकार ने बोनस का 25% हिस्सा तुरंत नकद देने के लिए कहा है, जबकि बाकी 75% हिस्सा पीएफ से जोड़ने के लिए कहा है। इस संबंध में योगी सरकार ने वित्त विभाग के निर्देश भी दिए हैं। सरकार के इस फैसले से 15 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। दीपावली से पहले सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1,022.75 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बोनस के रूप में मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये होगी। इसके अलावा एक महीने में औसत दिनों की संख्या 30.4 दिन रखी गई है। इस लिहाज से एक कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा। इसे 25% राशि नकद भुगतान की जाएगी और बची हुई 75% राशि पीएफ खाते में जोड़ दी जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते यानी पीएफ अकाउंट नहीं है, उन्हें यह पैसा एनएससी के रूप में दी जाएगी। उधर योगी सरकार ने किसानों के लिए मंडी शुल्क 2% घटाकर 1% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा होगा। किसानों को अपना अनाज फल सब्जी बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।